हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आशा करता हूँ कि पढ़ाई भी काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही है, यूपीपी की तैयारी आपकी। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग यहाँ पे पढ़े थे आपके जो रीजनिंग में, आपका पहला जो आपका लेक्चर आपका था, आपका कोडिंग और डिकोडिंग का था ना, वहाँ पर हमने ये सीखा था आपके डिकोडिंग कोडिंग के ऊपर आपके कैसे कैसे आपके सवाल आपके बन सकते थे ना। वहाँ पर आपका तीन टाइप के हमने वहाँ बताए थे। पहला आपका जो टाइप था आपका लेटर आपका कोडिंग था, दूसरा आपका नंबर सीरीज और तीसरा आपका मिक्स कोडिंग था ना। तो पहला जो आपका यहाँ पे लेटर आपका कोडिंग था, उसके ऊपर हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किए थे और उसके बेस पे आपके कैसे कैसे आपके सवाल यूपीपी के पेपर में बन सकते थे, उसी के आधार पे हम लोगों ने कुछ वहाँ पे क्वेश्चन किए थे ना। तो आज के जो क्लास में आपके पढ़ने वाले हैं आपके नंबर कोडिंग और उसके बाद आपका मिक्स कोडिंग यहाँ पे करने वाले हैं ना, ये दोनों आपके टॉपिक आज ही की क्लास में यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। तो आइए पैर वह शुरू करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नंबर कोडिंग के ऊपर आपका कैसा कैसा आपका सवाल बन सकता है उसी के आधार पे यहाँ पे बताएंगे। ये समझिए आपका, जैसा आपका यहाँ पे हमने लिया एग्जांपल कैट, ये हमने लिया कैट, आपका यहाँ पे क्या कर सकता है, आपका यहाँ पे सी का जो आपका नंबर क्या होता है आपका तीन होता है, ए का जो होता है आपका एक होता है, टी का जो होता है आपका 20 होता है ना। इसका क्या पता आपका प्लेस ही दे दे यहाँ पे, या फिर आपका यहाँ पे क्या कर सकता है, इसके स्थान का योग भी कर सकता है, इसके स्थान का आपका योग भी कर सकता है। इसके स्थान का योग कितना आपका मिलेगा, 24 कर सकता है ना। क्या पता है आपके इनके सीधे आपका स्थान दे दे या फिर इनके स्थान का आपका योगफल दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कर सकता है, इनके स्थान का आपका गुणनफल दे सकता है, तीन गुणे आपका एक गुणे कितना आपका 20, इनका गुणनफल भी आपका दे सकता है। इनके स्थान का कितना आपका आ जाएगा, 60 आपका आ जाएगा, है ना। या फिर आपका यहाँ पे क्या दे सकता है आपका, इनका अपोजिट, इनका अपोजिट क्या होता है, जैसे सी का जो आपका होता है अपोजिट, हमने पहली क्लास में आपको देखे बताया है, पहली क्लास में इसका जो अपोजिट यहाँ पे ना, सी का जो होगा आपका अपोजिट यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ए का कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे जेड आपका आ जाएगा, टी का कितना आपका आ जाएगा जी आपका आ जाएगा, है ना। जी टी रोड होता है, ए का जेड होगा, सी सिक्स आपका होता है। यहाँ पे हमने वहाँ पे आपको बता दिया था क्या क्या आपका इसका अपोजिट कैसे कैसे आपको याद रखना है। यहाँ पे जैसे एक्स का कितना आपका होता है, 24 होता है, एक्स का जो होता है आपका नंबर जो होता है आपका 24 होता है, जेड का कितना होता है आपका 26 होता है, जी कितना होता है आपका 7 होता है, इनका आपका योगफल दे सकता है, इनका भी आपका, इनका योगफल कितना मिलेगा, 24 और यहाँ पे जो आपका कितना मिलेगा, ये तो मिलेगा आपका 26 होगा, 24 होगा, 7, इन दोनों को जोड़ेंगे 50, 50 और कितना आपका मिलेगा यहाँ पे, 57 आपका दे सकता है ना। इनका आपका विपरीत, विपरीत का आपका यहाँ पे क्या, उनके स्थानों का योग भी आपका दे सकता है यहाँ पे, या फिर आपका यहाँ पे क्या दे सकता है आपका, दूसरा जो आपका यहाँ पे बन सकता है आपका पेपर, तो यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे जो आपका इनके प्लेस का आपका यहाँ पे दे सकता है डायरेक्ट आपका, या फिर इनका आपका योगफल दे सकता है, या फिर आपका इनके आपका प्लेस का आपका गुणनफल दे सकता है, या फिर आपका यहाँ पे क्या कर सकता है, इनका अपोजिट देगा, अपोजिट का जो आपका यहाँ पे इनका जो स्थान होगा, स्थान का आपका योगफल दे सकता है। एक आपका जो और आपका टाइप आपका आता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो आपको पता होगा आपका जो होता है वावेल स्वर होता है ना, और एक आपका होता है कॉन्सोनेंट आपका जो व्यंजन होता है यहाँ पे, जैसे आपका जो होता है आपका इंग्लिश में जो होता है आपका वावेल जो होता है यहाँ पे ना, ए होता है, ई होता है, आई ओ ई यू आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका कर सकता है, कैट के साथ मान लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कैट की कोडिंग यहाँ पे आपका जो यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे आपके जो कैट की कोडिंग आपका यहाँ पे दे सकता है आपका, कितने आपके यहाँ पे क्या है आपके व्यंजन यहाँ पे कॉन्सोनेंट आपके जो कितने आपके दो हैं, ये आपका दो देगा, उसके बाद आपका वावेल कितना आपका एक है, तो यहाँ पे आपका दो और एक आपका 21 दे सकता है। आपसे पूछ देगा आपका यहाँ पे, जैसे आपके यहाँ पे एक और यहाँ पे लिया जाए, जैसे बुक आपका है ना, बुक की कोडिंग आपका यहाँ पे कितना है, आपके पास कितने यहाँ पे आपके कॉन्सोनेंट हैं, एक और दो यहाँ पे, और वावेल कितने हैं, यहाँ भी आपके दो हैं, और कैट की कोडिंग आपकी 21 है, बुक की कोडिंग आपकी कितनी है, 22 है। तो आपसे पूछेगा बताइए कैटल की कोडिंग क्या होगी, कैटल यहाँ पे है ना, ये आपका यहाँ पे पूछ देगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हुआ है,
एक कितने आपके नंबर ऑफ आपके क्या हैं आपके वावेल और नंबर ऑफ के कॉन्सोनेंट आपके ना, कितने आपके पास यहाँ पे स्वर हैं और कितने आपके व्यंजन, उन्हीं की आपके यहाँ संख्या दी गई है यहाँ पे, है ना। आपके पास देखिए यहाँ पे दो आपके थे आपके व्यंजन थे, यहाँ पे दो आपके वावेल थे, तो दो और दो आपका होगा। तो यहाँ पे एक आपको ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पहले आपका वावेल लिखा कि पहले आपका कॉन्सोनेंट आपका लिखा गया। तो यहाँ पे देखते हैं तो पहले आपका क्या लिखा गया, आपका वावेल लिखा गया है ना, पहले आपका क्या वावेल आपका लिखा है। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, पहले आप वावेल ही लिखेंगे आप। जैसे कितने आपके पास वावेल है, एक दो तीन चार आपके वावेल है, तो आपका चार यहाँ पर लिखें। कितने आपके पास हैं कॉन्सोनेंट आपके, सॉरी सॉरी आपका देखिए पहले आपका यहाँ पे कॉन्सोनेंट आपके चार है ना, वावेल आपके यहाँ पे दो हैं, ये आपके यहाँ पे दो हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा भी आपका पेपर में दे सकता है आपका, है ना। तो इतने टाइप के आपके पेपर में नंबर कोडिंग से आपके सवाल बनते हैं यहाँ पे, इनका योगफल, इनका गुणनफल, या फिर इनके अपोजिट का जो आपका उनका स्थानों का आपका योगफल, या फिर आपके यहाँ पे स्वर और व्यंजन का आपका यहाँ पे नंबर आपका दे सकता है, ठीक है। इतने आपके टाइप के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं आपके यहाँ पे सवाल जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, जो आपके यूपीपी के स्तर से हमने सवाल लिए हैं, देखते हैं यहाँ पे सवालों में। जैसे देखिए आपका पहला ही सवाल, आपका पहला आपका देखे सवाल एसएससी जीडी के ही पेपर का पूछा गया यहाँ पे। ये देखिए आपका पहला यहाँ पे सवाल ना, तो आप देखिए यहाँ पे क्या आपका किया गया है। यदि एक निश्चित भाषा में रेड की जो कोडिंग यहाँ पे तीन के रूप में आपका कोडित किया गया है और बॉटल की कोडिंग यहाँ पे छः लिखा है, तो आपसे पूछे हैं मोबाइल की कोडिंग आपके क्या होगी यहाँ पे। तो आप बताइए रेड का आपका जो यहाँ पे लिखा गया है तीन, रेड की जो कोडिंग यहाँ पे क्या लिखा आपका, तीन लिखा है, और आपकी बॉटल की कोडिंग यहाँ पे कितना लिखा, बॉटल, बॉटल की जो कोडिंग आपके यहाँ पे कितना लिखा है आपका, छः लिखा है। तो आपसे पूछा है मोबाइल की कोडिंग आपके क्या होगी, मोबाइल की कोडिंग आपके यहाँ पे क्या होगी, ये मोबाइल की कोडिंग कितनी आपके होने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए तीन कैसे आपका आया है, छः कैसे आपका आया, तो उसी प्रकार से आप बताएंगे मोबाइल की कोडिंग आपके क्या आने वाली है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए कैसे आपका यहाँ पे हमको दिख क्या रहा है, ये जितने आपके पास यहाँ पे क्या है अल्फा आपके बेट है, कितने आपके पास अल्फा बेट है, एक दो तीन आपके पास है। तो आपका यहाँ पे देखे क्या है, तीन आपका लिखा गया है। यहाँ पे कितने आपके पास अल्फा बेट है, एक दो तीन चार पाँच छः आपके, तो यहाँ पे आपका छः गया। तो क्या करेंगे यहाँ आप देखेंगे मोबाइल में कितने आपके पास अल्फा बेट दिखाई दे रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ भी आपके पास कितने हैं अल्फा बेट आपके, छः हो जाएंगे। ये आपका जो लॉजिक यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे जो आपके शब्दों में कितने आपके पास अल्फाबेट है, सीधे आपका यहाँ पे नंबरिंग आपका किया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा मोबाइल कोडिंग क्या आपके हो जाएगा, यहाँ पे छः आपका हो जाएगा। सिंपल सा आपका यहाँ पे सवाल था, एसएससी जीडी के आपके पेपर का पूछा भी गया था, ठीक है। चलते हैं आपके अगले सवालों पर। ये देखिए आपका अगला सवाल यूपीएसआई के पेपर का पूछा गया सवाल आपका, ये देखिए आपका नेक्स्ट आपका सवाल यहाँ पे, ये आपका देखिए अगेन के जो कोडिंग आपका यह किया है, तो आपसे पूछा इसके कोडिंग क्या होगी यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे क्या आपका कौन सा आपका लॉजिक यहाँ पे लगाया गया आपका। तो यहाँ पे देखिए आपके जो अगेन के जो कोडिंग यहाँ पे किया है, ये देखिए यहाँ पे ना देख लीजिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, हमने जो आपको जितना बताया है बस उतना ही आपका पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है। उसका यहाँ पे उसका क्या सीधे नम आपका स्थान पूछेगा, फिर उनका प्लेस का जो आपका स्थानों का आपका योगफल पूछेगा, या तो फिर आपका गुणनफल पूछेगा यहाँ पे। तो पहला जो आपका देखें यहाँ पे ए है, इसकी जो कोडिंग आपका एक दिया है, जी क्या आपका यहाँ पे सात है, ए क्या आपका एक है ना, ये जो आपका आई क्या होता है आपका नौ, ये क्या आपका दिया गया है, ये जो आपका ए का एक दिया है, जी का आपका सात दिया, ए का आपका एक दिया, आई का नौ दिया, एन का कितना चौदह दिया, इसका मतलब आपका इनके स्थान दिए गए हैं आपके जो अल्फाबेट में होते हैं इनके स्थान। तो एक ऐसा होता है कितना स्थान होता है, एक होता है ना, और जी का कितना आपका होता है आपके अल्फाबेट में आपका सात होता है यहाँ पे, और एक ऐसा होता है कितना होता है आपका एक होता है यहाँ पे, आई क्या आपका होता है यहाँ पे नौ होता है, और एन कितना आपका होता है यहाँ पे चौदह होता है। तो इनके अल्फाबेट में जो आपके स्थान होते हैं यहाँ पे उन्हीं की आपके यहाँ वैल्यू आपके दी गई है। तो क्या करेंगे, जो आपसे पूछा यहाँ पे डी ई
ALT। तो आप बताइए डी की कोडिंग क्या, आपका डी का जो आपका होता स्थान क्या होता आपका, चार होता आपका, है ना। ई किसका होता आपका, ई का पाँच आपका होता है, और ए का आपका एक हो जाएगा, एल का आपका 12 हो जाएगा यहाँ पे, और टी का आपका 20 हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएगा यहाँ पे, इसके कोडिंग आपके हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका एक लिखा गया यहाँ पे, एक एक ना, ये आपका एक लिखा यहाँ पे, आपका एक लिखा। तो कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पे दिखाई आपका दे रहा है यहाँ पे, चार पाँच, ये आपका चार पाँच तो है या नहीं, चार पाँच आपका, फिर उसके बाद एक एक है, तो चार पाँच एक एक आपका जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका डी आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। सिंपल सा आपका यहाँ पे सवाल था, यहाँ पे जो किया था उसके सीधे आपके स्थान यहाँ पे दिया गया था। तो अगला देखें यहाँ पे, ये देखिए आपके RFF के पेपर पूछा गया था ना, जितने भी आपके यहाँ पे UPP के जो स्तर की परीक्षाएं हैं उसी के आधार पर हमने सवाल लिए हैं, जो आपके UPP के पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है उसी के आधार पर हमने सवाल भी लिए यहाँ पे। तो यहाँ आप देखिए आपके कार्स के कोडिंग आपका ये दिया है, तो आप बताइए यहाँ पे माल के कोडिंग क्या होगी यहाँ पे। तो आपका देखिए कार, ये भी आपका जो यहाँ पे दिखाए क्या आपका दे रहा है, ये जो आपका अल्फाबेट के जो इसके स्थान होते सीधे उसकी वैल्यू आपकी दी गई है। जैसे सी का क्या होता है आपका, तीन होता है, ए का कितना, एक होता है, आर का कितना होता है आपका, 18 होता है, एस कितना आपका, 19 होता है। तो सीधे उनके स्थान यहाँ पे दिए गए हैं, तो क्या करेंगे जो आपसे पूछी गई यहाँ पे क्या माल के कोडिंग का ना, तो आप बताइए माल्ट के कोडिंग के क्या आपके आ जाएगी यहाँ पे। माल्ट का जो कोड आपका आएगा, एम किस पर आपका आता है, 13 पे आता है, ए जो आपका आता है एक पे आता है, एल किस पर आपका आता है, 12 पे आता है, और टी आपका जो आता है 20 पे आता है। तो माल्ट की कोडिंग आपके ये हो सके। तो कौन सा आपका ऑप्शन जो मैच करता है यहाँ पे, 13 और कितना आपका, एक 12, ये आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 13 एक आपका 12 20 यहाँ पे आपका मिलता है, कौन सा आपका बी आपका ऑप्शन मिलता है ना। तो अगला देखें यहाँ पे, ये देखिए अगला आपका सवाल, ये भी देखिए RPF के पेपर का ही आपका ये भी सवाल है। यहाँ भी क्या आपका है, यदि रैप की कोडिंग आपकी है तो आपसे पूछा है टेक्स्ट की कोडिंग आपकी क्या होगी, टेक्स्ट ना। तो यहाँ पे आपका कौन सा आपका लॉजिक लगाया गया है यहाँ पे देखिए आप, यहाँ भी जो आपको यहाँ पे लिखा गया है ना, इसके स्थान ही यहाँ पे लिखे गए हैं जो आपके अल्फाबेट के जो होते हैं अल्फाबेट में आपके। जैसे W का देखिए यहाँ पे कितना 23 किया गया है, R का जो यहाँ पे 18 है, A का कितना आपका एक है, और P का जो यहाँ पे कितना आपका 16 यहाँ पे। तो इसके स्थान लिखे गए हैं, तो आपके क्या हो जाएगी टेक्स्ट की जो कोडिंग आपके जो हो जाएगी, क्या करेंगे आप यहाँ पे टेक्स्ट की जो कोडिंग आपकी हो जाएगी, ये देखिए आपके लास्ट में आपका 20 मिलेगा और शुरुआत में आपका 20 मिलेगा, है ना। तो लास्ट और आपके जो शुरुआत में आपका जो 20 दिया आपका यहाँ पे डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे अगले सवालों पे, आपके सिंपल सिंपल हमने सवाल लिए हैं, आपके UPP के स्तर से ही लिए हैं ये। आपके देखें अगला आपका सवाल यहाँ पे, आपका देखिए अगला आपका सवाल ना, JE की जो कोडिंग आपकी दो दिया है, आपसे पूछा XD की कोडिंग आपकी क्या होगी यहाँ पे। तो आप बताइए JE का यहाँ पे क्या किया जाए आपका दो आ जाए, जो आपका J और आपका E का होता है ना, J का आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको दो लाना है यहाँ पे। तो क्या करें यहाँ पे, J का जो आपका होता है यहाँ प्लेस आपका 10 होता है, और E का जो प्लेस आपका होता है 5 होता है। अगर इन दोनों को माने जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, लेकिन हमको चाहे क्या, दो चाहे यहाँ पे, और इन दोनों के यहाँ पे अंतर लिया जाए घटाया जाए तो कितना मिलेगा आपका, 5 मिलेगा। तो 5 भी आपका नहीं दिया है, अगर इन दोनों का गुणा किया जाए तो गुणा करने के बाद आपका 50 मिलेगा, 50 भी नहीं दिया है। इसका मतलब आपके यहाँ पे क्या आपका हो सकता है लॉजिक आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पे,
ये जो जे का जो आपका प्लेस होता है आपका 10 होता है, ई का जो होता है आपका 5 आपका होता है, और इन दोनों को यहाँ पे भाग किया जाए क्या मिलेगा आपका 5 दोनों आपका 10 आ जाएगा, है ना। आपका देखिए 2 चाहिए भी था, इसका मतलब इनका प्लेस और इसका प्लेस इन दोनों को भाग करेंगे, देखिए आपका 2 मिल जाएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे आप, सेम आपका जो लॉजिक यहाँ भी लग जाएगा जो आपसे पूछा गया, आपका आपका जो यहाँ पे क्या एक्स है और आपका डी है, एक्स का जो प्लेस होता है आपका 24 होता है और डी का जो प्लेस आपका होता है आपका 4 होता है। इसमें आप भाग करेंगे कितनी बार आपके भाग जाएगा यहाँ पे, 4 छक आपका होता है 24, तो जो आपका एक्स डी की आपके जो कोडिंग हो जाएगा यहाँ पे 6 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई आपका जो दे रहा है आपका कौन सा, ये आपका यहाँ पे सी आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे आपका जो लॉजिक लगा था इसका प्लेस इन दोनों को भाग करेंगे आपका 2 मिलेगा, तो सेम आप लॉजिक यहाँ पे लगा देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा आपका 6 आपका ऑप्शन, है ना। ये भी देखिए पेपर का ही पूछा गया था, आपका देखें यहाँ पे ये सवाल, जितने भी आपके पैटर्न के आपके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं उसके आधार पर हमने सारे के सारे यहाँ पे टाइप के सवाल ले लिए हैं। ये भी देखिए आपके जीडी के पेपर का ही है ना। तो यहाँ पे देखिए आपके जो टी की कोडिंग आपके 26 है और डांस की कोडिंग आपके 27 है, आपसे पूछा क्राउन की कोडिंग यहाँ पे क्या होगी, तो यहाँ पे कौन सा आपका लगाएगा लॉजिक, है ना। टी आपका जो होता है यहाँ पे क्या 20, 5 आपका 25 हो जाएगा, 1 आपका 26, क्या पता देखिए यहाँ पे इनकर इनके स्थानों का आप योग करेंगे जो आपका टी होता है टी, है ना। तो आप बताइए इसका जो होता है आपका 20 होता है और ई का जो होता है 5 होता है, ए का जो होता है आपका 1 होता है, और इनके स्थानों का आप योग करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका 26 मिल जाएगा, है कि ना। इनके स्थानों का आप योग करेंगे 26 मिल जाएगा। आप देखिए डांस के भी साथ क्या किया गया, यही किया गया है आपका जो डांस की कोडिंग आपके यहाँ पे डांस, ये देखिए आप यहाँ पे डांस की कोडिंग जो आपके यहाँ पे का 27 किया गया है। तो आप देखिए इनके स्थानों को आप योग कीजिए, ये कितना 4 1 5 हो जाएगा, 5 और आपका 14 कितना आपका हो जाएगा 19 आपका हो जाएगा ना, है कि नहीं। 5 और आपका 14 कितना 19, 19 आपका 3 कितना आपका हो जाएगा 22, 22 5 आपका 27। तो यहाँ से आपको लगा क्या, इनके स्थानों का आपका योगफल किया गया है ना। यहाँ पे टी का जो आपका योगफल यहाँ पे स्थानों का योग मिला 26 मिला, इनके स्थानों का आपका योग 27 मिला। तो क्या करेंगे जो आपसे पूछा है क्राउन, तो उनके भी आप स्थानों का योगफल करेंगे, जो भी आपका आंसर यहाँ पे देखे क्या मिलेगा आपका क्राउन। क्राउन यहाँ पे कहाँ पे लिखा था आपका, ये देखिए क्राउन यहाँ पे लिखते हैं। तो आपका देखिए सी कितना आपका 3 होता है, सी का जो आपका स्थान था 3 होता है, आर कितना आपका होता है 18 होता है, ओ जो आपका होता है 15, और डब्ल्यू जो आपका होता है कितना 23 आपका होता है, और आपका एन जो होता है आपका 14 होता है। इन सबको जोड़ेंगे आप, तो आप बताइए 8 3 कितना आपका हो सकेगा 11 हो सकेगा, 11 आपका 11 5 कितना आपका 16, 16 3 आपका 19, 19 और 4 कितना आपका हो जाएगा 23 आपका हो जाएगा 23 ना। 3 आपका यहाँ पे क्या मिलेगा लिखेंगे आप, 2 आपका हासिल मिल जाएगा आपका। तो 3 देखिए आपका जो लास्ट में जो दिखा दे रहा है ना आपका 73 में दिखा दे रहा है, बाकी और किसी का जो आपका यहाँ पे संख्या का इकाई अंक आपका 3 कहीं दिख नहीं रहा, तो आपका एक ही जो ऑप्शन यहाँ पे दिखा है 73 का जो इकाई अंक आपका 3 मिला, बस इतना आप सॉल्व करेंगे बस बहुत आपका है, क्योंकि सबका जो यहाँ पे हर एक आपका जो नंबर का ना इकाई अंक आपका अलग अलग दिया था, तो यहाँ पे इतना सॉल्व करेंगे, बाकी आप जोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 5 2 कितना आपका 7 आ जाएगा, और पूरा आप जोड़ेंगे देखिए आपका आ जाएगा 73 आ जाएगा। तो यहाँ बस आपका क्या किया था, आपका इनके स्थानों का आपका योगफल यहाँ पे किया था, ठीक है। तो चलते हैं आपके अगले सवालों पे, काफ़ी आपका इजी सवाल था अगला, देखें यहाँ पे अगला ये सवाल आपका,
ये आपके UPSI के अगर देखा सर, यहाँ पे जो आपका 54 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, करीब करीब 20 आपके शिफ्ट में आपका यही सवाल आपका पूछ सकता था, बस आपके बदल बदल का आपका यहाँ आपका दिया था। ए सी का जो आपका 3 है, एफ का जो आपका 6 है, एम 13 है, ओ आपका यहाँ पे देखिए आपका ओ आपका 15 यहाँ पे दिया है, तो 14 आपका यहाँ पे दिया, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आपका भरा जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया है, ये जो सी का जो स्थान होता है आपका 3 होता है, एफ का आपका 6 होता है आपके अल्फाबेट में, है ना, एम का जो होता है आपका 13 होता है, ओ का जो 15 होता है, तो आप बताइए 14 जो किस आपका नंबर पे आता है, यहाँ पे एन का आता है, तो एन का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बी आपका ऑप्शन। सिंपल सा आपका सवाल दिया गया है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका एन ऑप्शन आ जाएगा। अगला यहाँ पे देखते हैं, अगला आपका सवाल यहाँ पे, अगला देखें यहाँ पे सवाल जो आपका दिया क्या है, एक कोड भाषा में आपका जो मॉर्बिट की कोडिंग आपकी 61 है और पैरिया की जो कोडिंग आपकी 53 है, आपसे पूछा है रविष्ट की कोडिंग क्या होगी, क्या करेंगे। करीब करीब 1 घंटे, तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया आपका, तब तो पहला आपका क्या करेंगे, यहाँ पे इनके प्लेस का क्या करेंगे आप, योगफल करें ना इनके स्थान का, एम का कितना आपका होता है यहाँ पे 13, और ओ जो आपका होता है 15, आर कितना आपका होता है 18, आपका जो यहाँ पे 2, ये आपका 9, ये आपका कितना 4 आपका होता है, तो इनके स्थानों का आप योगफल करेंगे, अगर आपका 61 आ जाता है तो आपसे जो चीज़ पूछी गई है उसके भी आप स्थानों का योगफल कर देंगे यहाँ पे, तो क्या होता है यहाँ पे क्या आपका होगा, तब यहाँ पे देखिए आपका 5 3 कितना आपका 8, 8 8 16, 16 2 आपका 18 हो जाएगा, 18 9 कितना आपका 27, 27 4 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 31 आपका हो जाएगा, 31 का आपका 1 हो जाएगा, हाँ सिर्फ आपके पास 3 आपका मिल जाएगा, तो यहाँ पे कितना आपका 1 1 आपका 1, ये जोड़ेंगे आपका 3 3 आपका जो हासिल था, 3 3 मिलकर कितना आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा आपका लॉजिक, यहाँ पे क्या कौन सा आपका हो रहा है, यहाँ पे इनके भी आपके स्थानों का आपका योगफल ही यहाँ पे किया गया है, तो इनके स्थानों का आपका योगफल करेंगे तो आपका 61 मिल जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे तो आपसे पूछा यहाँ पे क्या रेवेस्ट के अकॉर्डिंग पूछा है, तो क्या करेंगे इनके भी आप स्थानों का योगफल कर देंगे यहाँ पे, तो आप बताइए यहाँ पे 18 1 आपका 19 है ना, 19 आपका हो जाएगा, वी जो आपका 22 पे आता है, और ये आपका जो आई क्या आपका 9 है, एस आपका 19 है, और एच आपका क्या होता है 8, 8 5 कितना आपका 13, 13 और 4 कितना आपका 17 आ जाएगा, इनका आप योगफल करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए आपके कितना मिलेगा आपका, हम ध्यान दीजिए 9 2 कितना आपका 11 हो जाएगा, 11 और 9 आपका 20 हो जाएगा, 20 9 आपका 29, 29 और आपका यहाँ पे 7 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, 36 का आप 6 लिखेंगे 3 आपके पास हासिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखें ये आपका 3 1 4 1 5, 5 3 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये 86 जो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका सी आपका सॉरी आपका बी आपका ऑप्शन 86 आपका ना, तो 86 आपका हो जाएगा, सेम आपका पिछला ही आपका रूल था यहाँ पे, जो इनके प्लेस का आपका योगफल यहाँ पे करना था, है ना। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवालों पे, अगला आपका सवाल, ये आपका देखिए सवाल काफी अच्छा सवाल ही आपका है, अगला देखें सवाल यहाँ पे,
देखें यहाँ पे, देखिए एनपी कोडिंग आपके कितना दिया है, 24 दिया है। आपसे पूछा टीवी की कोडिंग क्या होगी यहाँ पे टीवी की, ना तो एनपी आपका 24 कैसे मिला है आप यहाँ पे देखिए। पहले क्या करेंगे, इनका योगफल करें, इनके स्थानों का योगफल ना, इनका जो स्थान कितना आपका होता है 14 होता है, इनका जो होता आपका 16 होता है, इनका अगर योगफल करेंगे तो आपका 30 मिल जाएगा, है ना। इनका जो आप योगफल करेंगे तो आपका 30 मिल जाएगा यहाँ पे। क्या पता भाई आपका 6 यहाँ पे घटाया भी गया होगा, ये भी आपको हो सकता है भाई, 6 घटाएंगे तो आपका 24 मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे देखे कीजिए आपका मिलेगा यहाँ पे, ऑप्शन मैच करेगा यहाँ पे टी और वी। टी का जो होता है प्लेस आपका 20 होता है, और वी का जो होता है आपका 22 होता है। दोनों को आप योगफल करेंगे कितना आपका मिल जाएगा यहाँ पे, 42 मिल जाएगा। आपने यहाँ पे 6 घटाया है तो आप यहाँ भी 6 घटाएंगे, तो 6 घटाने के बाद आपका यहाँ पे तो कोई आपका आंसर ही नहीं मैच करेगा। इसका मतलब आपका यहाँ पे ये आपका यहाँ पे नियम आपका नहीं है। तो कौन सा आपका नियम हो सकता है यहाँ पे देखिए, ये आपका यहाँ पे ना, और इनके प्लेस का योगफल करेंगे तो बहुत आपका बड़ा नंबर मिल जाएगा, है ना। अगर आप इनके प्लेस को आप भाग करेंगे तो भाग आपके यहाँ पे जाएगी नहीं, यहाँ पे कुछ और ही आपका मिलेगा। इसका मतलब आप क्या आपका कर सकता है यहाँ पे, हमने बताया था एक आपका टाइप जो क्या इनका आपका जो होता है विपरीत आपका है, एन का जो विपरीत क्या होता है आपका एम होता है, पी का जो होता है विपरीत कितना आपका होता है के होता है ना। ये आपका होता है इनका जो विपरीत होता है। तो आप बताइए एम का जो आपका जो नंबर होता है 13 आपका होता है, और के का जो होता आपका स्थान क्या होता है आपका यहाँ पे 11 होता है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे देखिए आपका 24 आपका मिल जाएगा। ये देखिए हमने आपको जो शुरुआत में ही बता दिया था कौन कौन से आपके टाइप के सवाल आपके मिल सकते हैं आपके पेपर में ना, ये देखिए हमने शुरुआत में आपको बता दिया था। तो इसका विपरीत लिखेंगे, इसका लिखेंगे विपरीत, इनका जो स्थान होता इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका 24 आपका मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपसे जो पूछा आपका कितना टीवी, टी का जो होता आपका विपरीत कितना आपका होता है जी होता है, और वी का जो होता विपरीत कितना आपका ई होता है। इनका आप बताइए स्थान कितना मिलेगा 7, और ई का जो आपका स्थान होता है आपका 5 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे 7 5 कितना आपका 12 मिल जाएगा, है ना। ये देखिए आपका लॉजिक था यहाँ पे, इनका विपरीत का आपका जो स्थानों का आपको करना था योगफल करना था, सिंपल सा आपका सवाल था। चलते आपके नेक्स्ट आपके सवालों पे, अगला आपका सवाल ये देखिए सवाल आपका यहाँ पे, अगला आपका सवाल देखें यहाँ पे, अगला देखें यहाँ पे जो आपका सिप की कोडिंग आपका T17O दिया है, और कैट की कोडिंग आपका L29 आपका D दिया है। तो आपसे पूछा होप की कोडिंग क्या मिलेगी आपके, ये देखें यहाँ पे जो सिप आपका है, सिप की जो कोडिंग कैसे आपका यहाँ पे लाया है T17O आपका यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे किया आपका, देखें यहाँ पे जो हमको लगा यहाँ पे क्या, जो S में से आपका एक घटाया है, क्योंकि S का जो होता आपका स्थान 19 होता है, यहाँ पे आपका 20 लाया है, इसका मतलब यहाँ पे एक की कमी किया होगा आपका। और यहाँ पे जो आपका 17 कैसे लाया ये भी आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे 17 कैसे लाया है, 17 आपके जो यहाँ पे लाया होगा ये आपका इन दोनों का प्लेस यहाँ पे देख रहा है 8 और 9 आपका 17 है ना। इनका जो प्लेस होता आपका 8 होता है, इसका जो प्लेस होता आपका 9 होता है। दोनों को आप जोड़ेंगे देखिए आपका 17 मिल जाएगा यहाँ पे। पी आपका 16 होता है, ये आपका 15, यहाँ भी आपका एक घटाया है। तो यहाँ पे कौन सा आपका चल रहा लॉजिक, इनमें से आपका क्या क्या एक एक घटाया है शुरुआत और लास्ट का, बीच के आपके दो अक्षरों का इनके प्लेस का आपका योगफल यहाँ पे किया है कि नहीं। आप अगर चेक करना चाहते आप यहाँ भी आपका जो काइट दिया है, काइट की जो कोडिंग आपका L और 29 आपका D दिया है, यहाँ भी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपका यही आपका लॉजिक चल रहा है यहाँ पे K I T E। आप बताइए कि आपका जो होता है यहाँ पे कितना होता है, ये आपका यहाँ पे जो किया है आपका S से आपका जो T मिलता आपका प्लस आपका एक है ना। P आपका 16, ये आपका कितना आपका माइनस आपका एक है।
तो आप बताइए, यहाँ भी आप प्लस एक करेंगे ना, के बाद क्या मिलेगा आपका, एल मिल जाएगा यहाँ पे। और आईएसओ आपका होता कितना, 9 होता, टी आपका होता 20, 20 9 कितना आपका 29 मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ए से आप एक पहले जाएंगे तो क्या मिलेगा, डी मिल जाएगा। तो ए तो आपका यहाँ पे दिया है कोडिंग, तो यहाँ पे जो आपका लॉजिक है इसमें से आप एक जोड़ेंगे, यहाँ से घटाएंगे, इन दोनों आपके जो बीच अक्षरों क्या करेंगे, आप दोनों को जोड़ेंगे इनके प्लेस को, ये आपका यहाँ पे किया था। सेम आपसे क्या करेंगे, जो आपसे पूछा है वही आप लगा देंगे यहाँ पे। एच में आप एक जोड़ेंगे क्या मिलेगा, एच में आप जोड़ेंगे आपका आई मिल जाएगा, है ना। ये आपका यहाँ पे क्या, 15, 15 और आपका 16 क्या मिलेगा, 15 और आपका 16 होता है 31 होता है। और ई में से आप एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा, आपका डी मिल जाएगा। तो ये आपका कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पे दिखाई, आपका जो दिखाई दे रहा है कौन सा, आई 31 डी, ये आपका यहाँ पे दिखाई देता है आपका डी आपका ऑप्शन। ठीक है, काफ़ी ठीक ठाक सवाल था, बहुत कठिन भी नहीं कर सकते, बहुत आसान भी नहीं कर सकते, है ना। इनका आपका योगफल करना था एक एक का, और यहाँ से एक घटाना था, इन दोनों का आपके प्लेस का आपका योगफल करना था। ठीक है, अगला आपका सवाल यहाँ पे, अगला देखें यहाँ पे सवाल। ये सवाल आसान है, इस सवाल को आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, इस सवाल को छोड़ते हैं आपके लिए, इस सवाल को आप खुद कीजिएगा, चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवालों पे। सवाल काफ़ी इजी है इसलिए छोड़ रहे हैं, और ए बी डी के सवाल आपका इजी ही है, ए बी सवाल आप खुद कीजिए, क्योंकि इस टाइप का हमने सवाल लेके बता दिए हैं आपका क्या होता है यहाँ पे। सीधे क्या क्या आपका इनका प्लेस ही आपका लिखा गया है ना, तो 20 किस पे आपका आ जाएगा, आपका टी पे आ जाएगा। सिंपल सा आपका मात्र एक सेकंड का सवाल था आपका। अगला आपका सवाल यहाँ पे, ये देखिए आपके UPSC ना RO AR पूछा गया था, जो आपका 2000 आपके 20 में पेपर में हुआ था, पेपर 2020 का ना। ये आपका HE की जो कोडिंग आपकी 41 है, SHE की जो कोडिंग आपके यहाँ पे 49 दिया है, तो आपसे पूछा TH EM डेम के कोडिंग क्या होगी यहाँ पे, है ना। 41 कैसे आप यहाँ पे लाएंगे, 49 कैसे लाएंगे, कौन सा आपका लॉजिक लगा है, इसको आप देखें यहाँ पे। तो क्या आपका कर सकते हैं यहाँ पे, अगर इनका प्लेस का योगफल किया जाए, 8 5 13 हो सका, 13 आपका यहाँ पे आ नहीं रहा, आपका दिया है 41 दिया है, तब क्या करेंगे आप यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे इन दोनों का गुणा करें तो कितना मिलेगा, 8 5 40, 40 में अगर एक जोड़ते तो आपका 41 मिल जाएगा। तो आप देखें वहाँ भी आपका हो रहा है यहाँ पे, तो 19 और 8, 19 8 आपका 27 हो जाएगा, 27 5 आपका 32 होगा, 32 25 तो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। और भाई आपने यहाँ 5 से करते तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा 5 से, लेकिन ऐसा आपका यहाँ पे किया नहीं है, तब क्या आपका हो सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे क्या किया ऐसा, इनका विपरीत लिखे यहाँ पे, है ना, एस का होता है आपका विपरीत क्या होता है आपका, एस आपका होता है, और ई का जो होता है आपका वी होता है। इनका आप लिखेंगे क्या प्लेस, एस का आप करेंगे 19, इसका करेंगे 22, तो इन दोनों का देखिए आपका योगफल कितना मिल जाएगा, आपका 41 मिल जाएगा। और SHE आप बताइए इसका विपरीत करेंगे, देखिए आपका 49 मिल जाता है आपका, एस का आपका जो विपरीत होता है आपका एच आपका होता है, और इसका जो होता आपका एच होता है, और ई का जो होता आपका वी होता है। तो इनके आप प्लेस लिखेंगे, एच का कितना होता आपका 8 होता है, और इसका भी आपका 8 हो जाएगा, वी का आपका 22 आ जाएगा, है ना, इतना मिलेगा आपका, वी का आपका 22 हो जाएगा, एच आपका इसका, ये देखिए आपका यहाँ पे एस मिलेगा, एस आपका इसका उल्टा आपका एस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा, 19 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इनका योगफल करेंगे, देखिए आपका मिल जाएगा, इनका अगर योगफल करते हैं तो आपका देखिए आ जाएगा 49 आपका मिल जाएगा आपका,
है ना। तो इनके विपरीत का जो आपका योगफल यहाँ पे करा है, उसके स्थानों का योगफल, तो क्या करेंगे, आपका जो यहाँ पे जो आपका ध्यान दिया है, टी का जो आपका उल्टा होता है आपका जी होता है, और एच का जो होता है आपका एस होता है, ई का जो होता है आपका, ई का जो क्या होता है आपका वी होता है, एम का जो होता है आपका एन होता है। तो इनका स्थान लिखेंगे, सात लिखेंगे, ये आपका 19 हो जाएगा, ये आपका 22 हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो इनका आप योगफल कर देंगे, जो भी आपका आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। सीधे आप इकाई अंक चेक कर लीजिए, 9 आपका यहाँ पे आपका कितना है, 7, तो 9 7 कितना, 16, 16 में आपका जो इकाई अंक मिलेगा 6 मिलेगा, 6 2 कितना आपका 8, 8 4 कितना 12, जिसका इकाई अंक आपका 2 मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिखता है आपका कौन सा, आपका ए ऑप्शन, जो आपका इकाई अंक 2 दिखता है, यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तब भी आपका 62 ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे किया गया लॉजिक था, इनके विपरीत के स्थानों का आपका योगफल किया था। अगला देखें यहाँ पे सवाल, ये देखिए आपका सवाल अगला, कार्ड की कोडिंग आपके 9 दिया है और मैजिक की कोडिंग आपके 11 है, तो आपसे पूछा है यहाँ पे इसकी कोडिंग क्या होगी पहले सिटेशन की, तो क्या करेंगे यहाँ पे, कौन सा आपका नियम लगाया गया आपका कार्ड, यहाँ पे योगफल करेंगे इनके प्लेस का तो बहुत ज़्यादा आपका आ जाएगा, गुणा करेंगे तो और ज़्यादा आपका आ जाएगा, यहाँ पे 9 कैसे आपका मिलेगा यहाँ पे, 9 जो हमको दिखाई यहाँ पे दे रहा है, इनके पास जो काइट में कितने आपके यहाँ पे अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट आपके पास 4 हैं, 4 का आप गुणा करेंगे 2, 4 दूना 8, एक आपका 9 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना आपका 5 2 10, एक आपका यहाँ पे गुणा करके आपका ना जितने आपके पास यहाँ पे नंबर क्या है आपके अल्फाबेट है उनका डबल किया है और एक आपका जोड़ा गया है, ये आपका यहाँ पे चल रहा है लॉजिक। जैसे देखिए इसमें कितने आपके पास अक्षर दिखाई दे रहे हैं, 4 है ना, 4 आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये 4 आपका गुणे आप 2 करेंगे और प्लस आप 1 करेंगे, देखिए आपका 9 आपका आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ भी देखिए आपका वही किया गया, आपका जो मैजिक, मैजिक में कितने आपके अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, इसका डबल करेंगे और प्लस आप 1 करेंगे, देखिए आपका 11 मिल जाएगा। तो दोनों आपके जो यहाँ पे लॉजिक आपके सेम है, तो क्या करेंगे, जो आपसे पूछा है सेम आप यही प्रक्रिया आप कर दीजिए। यहाँ पे कितने आपके पास है, 3, 3 6, 3 त्रिक 9, 3 चौका 12 है, तो 12 का आप डबल करेंगे, 12 गुणे कितना 2, प्लस आप 1 करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे, 12 दुना आपका 24, एक आपका 25 मिल जाएगा। तो 25 आपका दिखाई दे रहा कौन सा, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा, सिंपल सा लॉजिक यहाँ भी था, जितने आपके पास शब्दों में ना काट आपका जो शब्द यहाँ पे आपके उसके यहाँ पे जितने आपके अल्फाबेट हैं उनका 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने के बाद 1 जोड़ देंगे यहाँ पे ना। अगला सवाल लेके यहाँ पे ये देखिए आपका अगला सवाल, यहाँ पे कार्ड्स की कोडिंग 2 दिया है, मंडे कोडिंग 2 दिया है, ए आई आर की कोडिंग 2 दिया है, आपसे पूछा संडे की कोडिंग क्या होगी, यहाँ पे आपका क्या किया गया, तब यहाँ पे यहाँ पे क्या कर सकता आपका, 2 2 हर जगह आपका किया है, तो कौन सा आपका लॉजिक यहाँ पे लगाया गया होगा आपका, क्योंकि योगफल करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, गुणनफल करेंगे और ज़्यादा होगा। ये आपका जो काइट्स कोडिंग हमने देखे, आपको जो बताया था कि यहाँ पे जो आपका जो किया है ना काइट्स के में नंबर ऑफ क्या आपके वो वावेल्स किया है, जैसे देखिए काइट्स में आपके कितने वावेल हैं, आई है और ई है, आपके 2 वावेल हैं, तो यहाँ पे 2 आपका लिखा गया है, और इसमें आपके वावेल कितने हैं, 1 और 2 आपके वावेल हैं, तो यहाँ पे 2 लिखा गया है, यहाँ पे कितने आपके वावेल हैं, ए है और आई है, यहाँ आपका 2 दिया है। हमने बताया था आपके वावेल कितने आपके होते हैं, यहाँ 5 होते हैं, कौन कौन से आपके होते हैं, ए आई
ए ई ना, पहले आपका ए आई ओ यू आपके होते हैं, ये आपके पांच यहाँ पे वावेल होते हैं, तो उन्हीं की आपके यहाँ पे काउंटिंग किया है ना। तो अब बताएं संडे में कितने आपके वावेल मिल रहे हैं, एक आपका वावेल, दो आपका वावेल, तो इसके भी कोडिंग आपके क्या हो सके, यहाँ पे दो आपके हो सके। सिंपल सा आपका ये भी सवाल था, यहाँ पे कितने आपके वावेल, उन्हीं के काउंटिंग यहाँ पे किया था। तो अगला आपका सवाल यहाँ पे, अगला देखिए आपका यहाँ पे, एक जो जो कोडिंग आपके पांच दिया, होटल कोडिंग आपकी 12 है, इस टाइप का आपका सवाल हमने उसको खोजा मिल नहीं पाया, आपका यूपी पीसीएस के पेपर पूछ सका था, इसी टाइप का सेम आपका लॉजिक था यहाँ पे। ये देखिए ई ई की जो कोडिंग आपका, सो यहाँ पे क्या किया आपका पांच, ई की जो कोडिंग आपका पांच किया है, और होटल के सो कोडिंग आपके यहाँ पे, होटल के कोडिंग आपके यहाँ पे कितना किया है आपका 12 किया है। और वहाँ पे जो आपका सवाल पूछा था यूपीपीएस, हमको याद आ गया, यहाँ पे आपका लैम्प ना पूछा था, आपका जो पूछा था आपके यहाँ पे होटल कोडिंग आपके 12 दिया है, और हॉस्टल पूछा था वहाँ पे, ये हॉस्टल आपका पूछा था, जो पीसेस आपके पेपर में पूछा था हॉस्टल का कोडिंग, लेकिन आपके यहाँ पे पूछा आपके लैम्प की कोडिंग आपके पूछा है, सेम आपका वही आपका लॉजिक यहाँ पे है। तो कैसे आपका 5 मिलेगा यहाँ पे, कैसे आपका 12 मिलेगा, है ना, क्या करेंगे आपका। ये तो आपका इसका जो प्लेस होता आपका 5 होता है, क्या पता आपका प्लेस लिखा हो, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो आपका कुछ ज़्यादा ही आपका मिल जाएगा यहाँ पे, तो 12 कैसे आपका मिलेगा यहाँ पे। ये आपका जो होता है इसका 8 होता है, और इसका जो होता है आपका ओ का जो 15 होता है, टी का जो 20 होता है, और ई का 5, और एल का जो होता है आपका 12 होता है ना, ये आपका होता है यहाँ पे। अगर आप इनका योगफल करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 और आपका 5 कितना 20 हो जाएगा, 20 20 आपका 40, और 12 8 आपका 20, तो यहाँ पे 40 और 20 कितना आपका हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इनका योगफल करेंगे ये आपका 60। तो अब बताइए आपको जो लाना यहाँ पे 12 लाना है, तो 12 कैसे आपका बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे कैसे आपका बन सकता है आपका 12, इनका जो अपने प्लेस का स्थान का योग किया तो आपका 60 मिला है, गुणा करेंगे तो बहुत और ज़्यादा आपका मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो आपका दिखाई दे, आपका दिखाई दे रहा 12 आपका जो आ सकता ना, कितने आपके पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 से भाग किया आपका, है ना, इनका आप क्या करेंगे स्थानों का योग करेंगे तो 60 आपका मिलेगा, लेकिन आपका दिया है 12, तो 12 आपका तभी आ सकता है यहाँ पे जब इनके यहाँ पे कितने आपके जो दिए हैं आपके अल्फ़ाबेट दिए हैं 5, तो 5 से आप भाग करेंगे तो आपका 12 मिल जाएगा। तो देखिए आप यहाँ भी तो आपका वही है, ई का जो आपका स्थान होता है 5 होता है, इसमें कितने आपके अल्फ़ाबेट 1 है, तो 1 से भाग करेंगे देखिए 5 आपका आ जाएगा। तो क्या करेंगे आपका जो यहाँ पे लैम्ब दिया है, तो लैम्ब के क्या करेंगे स्थानों का योग करेंगे, जितने आपके पास अल्फाबेट है उसी से भाग कर देंगे आप यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे एल क्या होता है आपका 12, और यहाँ पे 1 और कितना आपका 13, 14 आपका हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस आपका यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2 आपका आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे 26, 26 2 आपका कितना मिल जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 को आप भाग करेंगे किससे, 4 से भाग करेंगे यहाँ पे, 4 से जब भाग करेंगे कितना मिलेगा आपका, 7 आ जाएगा। तो 7 आपका देखें यहाँ पे ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, बस यहाँ पे कुछ करना नहीं था आपका, इनका योगफल करना था, जितने आपके पास अल्फाबेट हैं उन्हें से भाग करना था आपका। चलते आपके नेक्स्ट आपके सवालों पे, अगला आपका सवाल यहाँ पे, ये देखिए आपका मिक्स, आपका यहाँ पे मिक्स आपके कोडिंग ना, हमने बताया था आपका कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर आपके तीन आपके टाइप के सवाल बनते हैं, पहला आपका क्या था लेटर कोडिंग, दूसरा आपका नंबर कोडिंग, तीसरा आपका मिक्स कोडिंग था। ये आपका देखिए मिक्स कोडिंग के ऊपर आपका पूछा गया था सवाल यहाँ पे, यहाँ पे देखें क्या करेंगे यहाँ पे, ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे सवाल है, जो आपके हर एक पेपर में आता है।
ये देखिए क्लीन एंड आपका नीट की कोडिंग आपके SOREANI आपका दिया है ना। और नीट वाइट अब फ्लोर की जो कोडिंग यहाँ पे दिया है JUPERA दिया है। ब्राइट क्लीन फ्लोर की जो कोडिंग आपका NIJU और MA दिया है। तो आपसे पूछे MA की कोडिंग आपके क्या होगी, बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ पे ये आपका जो यहाँ पे दिया है ये देखिए आपका यहाँ पे क्लीन है और कितना आपका एंड है और आपका यहाँ पे नीट है। इसके जो कोडिंग आपका SOREANI आपका हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका क्या दिया है नीट नीट वाइट वाइट और आपका यहाँ पे फ्लोर आपका फ्लोर ना। और यहाँ पे JU आपका हो जाएगा PA हो जाएगा ये आपका RA आपका। और आगे जो दिया आपका ब्राइट ब्राइट एक क्लीन क्लीन और आपका फ्लोर ठीक है। ये आपका यहाँ पे जो कोडिंग यहाँ पे NI दिया है जे आपका यू दिया है और MA दिया है। तो क्या करेंगे आप ऐसे सवालों में क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे आप सवालों में आप पहले ढूंढेंगे कॉमन आपका कौन सा है, तीनों में आपका कौन सा आपका यहाँ पे वर्ड कॉमन दिखाई दे रहा है। तीनों में आपका ऐसा कोई आपका वर्ड है जो आपका तीनों में कॉमन दिखाई दे। अगर इन दोनों में आप कंपेयर करेंगे तो कौन सा आपका वर्ड कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में आपका यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपका कौन, ये आपका नीट दिखाई दे रहा है। नीट आपका है ना, आपका नीट दिखाई दे रहा है आपका। और तो आपका इसमें नीट है या नहीं है, आप देखिए यहाँ पे नीट आपका यहाँ पे नीट। तो आप बताइए यहाँ पे इन दोनों में कौन सा आपका कॉमन दिखाई दे रहा है, आपका यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपका RA दिखाई दे रहा है ना RA आपका। अगर आपसे पूछता सवाल में आप बताइए नीट की कोडिंग क्या होती, तो नीट की कोडिंग हमारी क्या हो जाती आपकी RA हो जाती है आपके यहाँ पे। लेकिन आपसे ये पूछा नहीं आपका, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे अब आइए यहाँ पे अगर इन दोनों में कंपेयर कर दें, इन दोनों में है ना, इन दोनों में कौन सा आपका कॉमन दिखा दे रहा है, आपका क्लीन दिखा दे रहा है, ये आपका क्लीन यहाँ पे है ना, ये आपके क्लीन यहाँ पे। तो आप बताइए इसमें और इसमें देखिए कौन से आपके कॉमन दिखा दे रहे हैं, इन दोनों में आपके कौन से कॉमन दिखा दे रहे हैं, ये आपका देखिए NI आपका है यहाँ पे, ये आपका NI आपका हो जाएगा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर क्लीन की कोडिंग आपके क्या हो जाएगी, N आपकी I हो जाएगी यहाँ पे। तो आप बताइए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो निकालना है यहाँ पे ना फ्लोर, ये देखिए फ्लोर भी आपका यहाँ पे है। तो फ्लोर को किससे दिखाएं, यहाँ पे आकृति कौन सी, यहाँ पे आप इसके पंचभुज से दिखा दीजिए, यहाँ पे ऐसे पंचभुज से है ना, ऐसे आप दिखा दीजिए यहाँ पे। तो इन दोनों में अब क्या कॉमन, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में जो कॉमन दिखा दे रहा आपका ये दिखा दे रहा है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ये आपका। तो आपका जो बचा यहाँ पे MA कोडिंग आपकी क्या हो जाएगी, ब्राइट। तो ब्राइट आपका यहाँ पे हो जाता है डी आपका ऑप्शन। यहाँ पे ऐसे आपको यहाँ पे छाटना पड़ता है, यहाँ पे आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे कौन सा आपका यहाँ पे वर्ड कॉमन दिख रहा है, सेम आप उसी लाइन में जाएंगे कौन सा आपका यहाँ पे कौन सा आपका मिलेगा, जो कोडिंग आपका किया यहाँ पे कौन सा कॉमन दिखेगा ना। तो अगर आपसे पूछता है यहाँ पे क्लीन की कोडिंग, क्लीन आपका जो यहाँ पे त्रिभुज है ठीक, अलग अलग आप आंकड़े से बनाएंगे, अगर आप एक ही आप बना देंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। जैसे आपका यहाँ पे क्या क्लीन की जो कोडिंग क्या हो जाएगी आपकी, एन आपकी आई हो जाएगी यहाँ पे। जैसे आपसे पूछता नीट की कोडिंग, जैसे आपसे पूछता यहाँ पे नीट की कोडिंग पूछता तो क्या करते आप आर ए देते यहाँ पे ना। और आपसे पूछता है यहाँ पे जो आपका बच क्या रहा, जैसे अगर से पूछता है यहाँ पे एंड की कोडिंग क्या होगी, एंड की जो आपका बचा यहाँ पे, एंड आपका बच रहा है ना, एंड की कोडिंग आपके सो हो जाती है यहाँ पे है ना। और व्हाइट की कोडिंग क्या मिल जाती है आपके, पी ए आपके मिल जाती है यहाँ पे। ऐसा आपको यहाँ पे दिया जा सकता था, ऐसा नहीं कि आपका MA पूछा आप MA की ना, आपकी कोई और आपका यहाँ पे पूछता अक्षर की कोडिंग क्या होती तो आप ऐसे निकालते यहाँ पे ना। तो इसी प्रकार से हमने और कुछ सवाल लिए हैं, आप देखें यहाँ पे अगले सवाल आपके जो यहाँ पे दिए गए हैं, देखें यहाँ पे
ये आपका देखिए अगला सवाल आपका ना, ये भी देखिए आपके मिक्स आपके कोडिंग के हैं, आपके यहाँ पे सवाल है। तो क्या करेंगे आप, कॉमन ढूंढेंगे यहाँ पे, जैसे देखिए आप इसी सवाल भी ढूंढ लेते यहाँ पे लिखे क्या बार बार ना, यहाँ पे इसी में ढूंढे आपके कॉमन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देखें यहाँ पे और कहाँ पे गया ये आपका, यहाँ पे ईट आपका यहाँ पे दिखा, ईट इसमें आपका है या नहीं है, ईट आपका यहाँ पे दिखा। अगर देखते हैं आपका ईट यहाँ पे दिखा, आपका ईट यहाँ पे दिखा, तो ईट आप देखें यहाँ पे जो आपकी कोडिंग की गई है, यहाँ पे जो कोडिंग की गई है, इन दोनों में कॉमन क्या दिखा आपका, वी ए दिखा। वी ए आपका देखें वी आपका यहाँ पे ए दिखा, वी आपका ए यहाँ पर दिखा। तो ईट की जो कोडिंग आपकी क्या हो गई यहाँ पे, वी ए आपकी हो गई है ना। आगे से आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे और कोई आपका कॉमन दिख नहीं रहा है। अगर देखे आपके से यहाँ पे दिए गए हैं, और जो आपका यहाँ पे टेस्टी आपका यहाँ पे है, टेस्टी आपका यहाँ पे है ना, टेस्टी आपका वहाँ पे था, टेस्टी आपका यहाँ पे था, इन दोनों जगह आप देखें यहाँ पे, ये देखे टेस्टी आपका यहाँ पे और टेस्टी आपका यहाँ पे। तो आप बताइए यहाँ पे और आपके यहाँ पे इन दोनों में कौन सा आपका कॉमन दिखा दे रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये आप देखिए आपके एन यू आपका दिखा दे रहा है, एन यू आपका। तो यहाँ पे जो आपका टेस्टी की जो कोडिंग आपके क्या हो सके, टेस्टी की जो कोडिंग आपकी एन यू आपके हो सके है ना। आगे आपसे पूछा आर यू की कोडिंग, तो आर यू की कोडिंग कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं जो इन दोनों में कॉमन क्या दिखा आपका, डिस दिखाई दिया। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आपका जो यहाँ पे दिया गया क्या आपका डिस यहाँ पे दिया गया है, ये कौन से यहाँ बनाया जाए, ये आपका जो डिस आपका दिया गया है, यहाँ पे डिस है और यहाँ पे आपका डिस है। तो ये जो आपके यहाँ पे डिस और डिस आपके जो दिखाई दे रहे हैं, तो आप बताइए यहाँ पे आपके कौन से कॉमन दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे कौन सा आपका कॉमन दिखा है, डिस आपका यहाँ पे, डिस आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपके इन दोनों में जो कॉमन दिखाई दे रहा है आपका के आई दिखाई दे रहा है, इन दोनों में जो कॉमन आपका के आई है, आपका यहाँ पे के आई है। तो डिस की जो कोडिंग यहाँ पे अगर आपसे पूछता तो डिस की कोडिंग क्या बताते हैं आप, के आई बताते हैं। आपसे पूछा यहाँ पे क्या आर यू, अगर वी ए की कोडिंग आपकी एट हो गई, के आई कोडिंग आपकी यहाँ पे डिस हो गई, तो बचा आपके पास आर यू। तो आर यू कोडिंग आपके क्या हो जाएगी यहाँ पे, स्पाइसी आपके हो जाएगी। आर यू की जो कोडिंग आपका जो बचा है, जो आपसे यहाँ पे देखें यहाँ पे जो आपका आर यू जो कोडिंग आपके क्या हो जाएगी, जो आपका यहाँ बचा है आपका स्पाइसी, तो स्पाइसी आपके यहाँ पे हो जाएगा। आप जो आपका लास्ट में बचेगा ना, और यहाँ पे जो आपका बचेगा वही आपका इन दोनों में क्या आपका हो जाएगा, ये आपका इसका हो जाएगा, कोडिंग आपकी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगला तब देखते हैं, ये आपका देखें यहाँ पे अगला सवाल, ये देखिए आपका अगला सवाल देखें यहाँ पे, ट्राई कीजिए देखें क्या आपका मिलेगा। सेम आपका पिछले की तरह ही आपका सवाल ए भी है ना, यहाँ पे जो कार्ट की आपके जो कार्ट और लाइट की कोडिंग आपका ये दिया है यहाँ पे, और इसकी कोडिंग ये दिया है, और आपके कार्ट प्लग ये दिया है, आपसे पूछे यहाँ पे क्या कार्ट की कोडिंग पूछे यहाँ पे। तो सिंपल सा आपको तो आसान दिख रहा है हमको लगता है, देखे यहाँ पे आपसे पूछा कार्ट की कोडिंग पूछा यहाँ पे है ना, ये आपके कार्ट के कोडिंग आपसे पूछा, यहाँ पे कार्ट आपका हो जाएगा और यहाँ पे आपका कार्ट हो जाएगा। आगे तो कुछ आपका दिया नहीं है, तो आप बताइए यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे इसके आंसर दिया कोडिंग, और इसके आंसर आपका यहाँ पे दिया कोडिंग, तो इन दोनों में कॉमन क्या देखा आपका, स्ट्रॉ दिखा, स्ट्रॉ आपका ना। तो सिंपल सा आपका तो सवाल मिल गया यहाँ पे, तो कार्ट के कोडिंग क्या हो जाएगा आपकी, स्ट्रॉ हो जाएगी। ये तो आपका सिंपल सा बन गया सवाल है कि नहीं, कुछ यहाँ पे करना ही नहीं था आपका, यहाँ पे कार्ट आपका देखा, यहाँ पे कार्ट देखा,
यहाँ पे आपने क्या क्या कंपेयर किया, इन दोनों में कौन सा आपका कॉमन देखा, आपका एक्स्ट्रा देखा, तो कार्ट के सब कोडिंग क्या मिल गई, आपके एक्स्ट्रा मिल गए यहाँ पे, है ना। जो आपका यहाँ पे ऑप्शन था आपका बी आपका ऑप्शन था। अगला देखते हैं यहाँ पे, अगला आपका सवाल लेके इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपका सवाल, इस सवाल को आप खुद कीजिएगा, ये आपके लिए देते हैं। अगला जो आपका यहाँ पे सवाल, ये देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे सिंबल दिया गया है, ये आपका यहाँ पे सिंबल देखिए यहाँ पे दिया गया है, टेबल के कोडिंग आपके ये दिया गया है आपका, और लार्क की कोडिंग आपके ये दिया गया है, और बुकेट की कोडिंग आपके ये दिया गया है। आपसे पूछे यहाँ पे क्या बोला आपका, क्लेरेट की कोडिंग क्या मिलेगी, तो क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम बता रहे हैं आपको। आपका जो यहाँ पे टेबल है, टेबल की जो कोडिंग आपका जो यहाँ पे क्या है, तो बड़ा लिखना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे जो आपका अक्षर यहाँ बनाया गया है, तो क्या करेंगे आप ढूंढिए पहले, जैसे आपका यहाँ पे देखे सी है ना, सी, सी की कोडिंग क्या मिलेगी आपकी, यहाँ तो आपका सी है या नहीं है, यहाँ भी नहीं सी है, यहाँ पर देखे सी मिला आपका, अब तो एक दो तीन, तो सी की कोडिंग क्या हो जाएगा, एक दो तीन आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस होगा, तो प्लस आपका देखिए यहाँ पे जो प्लस की जो शुरुआत हुई है आपके दो ऑप्शन में शुरुआत हुई है, आपका ए ऑप्शन बी आपका ऑप्शन, और यू की कोडिंग क्या मिलेगी यहाँ पे, नोट यहाँ पे क्या मिलेगा यू का कोडिंग, यहाँ पे आपका यू दिया नहीं, यहाँ पे यू नहीं दिया, यू आपका यहाँ पे दिया बुकेट में आपका, तो यू की कोडिंग आपके यहाँ पे दिया है आपका डॉलर दिया है, तो आपका डॉलर आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस के बाद आपका डॉलर मिलेगा यहाँ पे, ये तो ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पे, सॉरी आपका यहाँ पे ए नहीं दिया, आपका एल के ढूंढना था, एल के यहाँ पे ए आपका एल दिया है, एल आप ढूंढिए यहाँ पे, तो एल कहाँ दिया आपका यहाँ पे दिया है एल कोडिंग, तो आप बताइए यहाँ पे एल का देखे यहाँ भी आपका हैज है, एल के देखे आपका यहाँ भी हैज दिया है, तो आप बताइए यहाँ पे एल की कोडिंग क्या आपकी हो सकी, हैज आपके हो सकी, तो प्लस के बाद आपका हैज जो आपके दोनों जगह आपका दिया है, आगे आपका ए है, तो ए कहाँ से निकालेंगे आप, ए की जो कोडिंग देखे आपके एट द रेट यहाँ पे हो सकी, ए की कोडिंग आपकी एट द रेट हो जाएगी, तो आपका जो आंसर दिया प्लस हैज एट द रेट, इस टाइप का जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे क्या मिलता है आपका, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे आपको ढूंढना था कि ए की कोडिंग क्या होगी, बी की कोडिंग आपका यहाँ पे सिंबल के रूप में आपका दिया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो अगला यहाँ पे देखते हैं सवाल, अगला आपका ये आपका नंबर के ऊपर आपका दिया है, ये आपका देखिए अगला आपका सवाल यहाँ पे लाइफ, लाइफ हैप्पली की जो कोडिंग आपका ये दिया है, एवरीवन इज हियर इसकी कोडिंग ये दिया है, और बी ग्रेटफुल की कोडिंग आपके यहाँ दिया है, आपसे पूछा काउंट योर ब्लेसिंग की कोडिंग क्या हो गई यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे, कौन सा आपका लॉजिक लगाया गया यहाँ पे, सोचिए यहाँ पे कैसे क्या करेंगे यहाँ पे, कौन सा आप नियम यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे, जो आपका चार चार सात आपका जो किया गया यहाँ पे, यहाँ तो कॉमन कोडिंग भी आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपसे पूछा यहाँ पे काउंट योर ब्लेसिंग, यहाँ भी काउंट नहीं दिखा, यहाँ भी नहीं दिया काउंट आपका, यहाँ भी नहीं दिया काउंट, ये तो आपका कॉमन जो आपको यहाँ पे करना था कोई कॉमन नहीं मिल पा रहा है, तब क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे ना किया है ना, इसमें देखें कितने आपके पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट हैं, चार आपके अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पे चार आपका किया है, यहाँ पे कितने आपके पास अल्फ़ाबेट है, यहाँ भी आपके चार हैं, यहाँ पे कितने आपके पास है, तीन तीन छः एक सात, ये आपका यहाँ पे किया गया है, इनके जो आपके वर्ड में कितने आपके पास अल्फ़ाबेट हैं उन्हीं की आपके यहाँ पे क्या किया आपका जोड़ के लिखा गया, यहाँ पे चार अल्फ़ाबेट, यहाँ पे चार अल्फा आपके बेट, यहाँ पे आपके सात है, चार चार आपका सात हो जाएगा, यहाँ देखिए आपके चार चार आठ एक नौ, चार चार आपके आठ ही यहाँ पे हैं, तो आपका आठ यहाँ पे किया, यहाँ पे देखिए दो है तो यहाँ पे आपका दो हो जाएगा, यहाँ पे आपके चार तो यहाँ पे आपका चार हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपके वर्ड में कितने आपके पास अल्फाबेट है उन्हीं के आपके यहाँ पे काउंट करके आपका लिखा गया यहाँ पे, तो आप बताइए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पूछा क्या है, काउंट योर ब्लेसिंग, तो काउंट में कितने आपके अल्फाबेट है, तीन दो आपका पाँच हो जाएगा, तो पाँच आपका देखिए एक ही ऑप्शन यहाँ पे शुरू था पाँच से, ये आपका हो जाएगा सी आपका ऑप्शन,
ठीक है, तो यहाँ पे आपके डिकोडिंग, आपका जो कोडिंग के ऊपर जितने आपके टाइप के सवाल बनते थे सारे के सारे हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं ना। आपका पहला जो आपका टाइप था लेटर कोडिंग, दूसरा आपका नंबर कोडिंग, तीसरा आपका मिक्स कोडिंग था। जो आपका नंबर कोडिंग, आपका आपका जो मिक्स कोडिंग आज की क्लास हम लोगों ने पढ़ा, और यहाँ से भी आपके आपके आने की जो संभावना है, आपके जितने भी आपके सवाल बन सकते थे सारे के सारे हमने यहाँ पे टाइप आपके कवर कर लिए है ना। बाकी मिलते आपके किसी नेक्स्ट आपके टॉपिक पे, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर आपका।